हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकन कर्मी ऑफिशियल बंधु कल आज भिडि लिश अपना मेट्रिक परीक्षार फलाफल ऊपर जिस स्टूडेंटे मेट्रिक परीक्षा रिजल्ट बेहद और माने एटा सब्जेक्ट बा दुटा सब्जेक्ट बेहद हर फल रिजल्ट बेहद तो सब्जेक्ट री एग्जाम दीबे आमार सेबाई कम्पार्टमेंटल एग्जाम नोटिस जारी कर तो अपनी एग्जाम कि भाव दी के एप्लाई तथ्य समूह आज आप लिखा तो बोलो गाइस पलम नक अपना मेन वेबसाइट लै जाओ अपनी जिको ब्राउजार ओपेन कर टाइप ऑनलाइन ORG.in यू मार लगे अपना इंटरफेस ओपेन हम इतना जो प्रथम लिंक सेबार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम ताते क्लिक कर इतना क्लिक करे अपने एनेकवा इंटरफेस ओपेन हम इतना अपनी तलत स्क्रोल यू अपना सेबार मेन वेबसाइट है तक इतना ओपेन स्क्रोल और तलत इतना लेफ्ट साइड नोटिफिकेशन सब लिखा है नोटिस रिगार्डिंग HSLC कम्पार्टमेंटल एग्जामिनेशन अपनी इते क्लिक कर क्लिक करे PDF फाइल ओपेन हम इते अपना सको डिटेल्स दिया लिखा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम बामनी मैदम गुवाहाटी और वेबसाइट से www.sebaonline.org इतने नोटिफिकेशन दिया अपना तो जो 24 तारिखे नोटिफिकेशन जारी कर लिखा है इट इज फॉर इनफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न स्कूल एंड द कैंडिडेट ऑफ HSLC एग्जामिनेशन 2023 दैट द ऑनलाइन पोर्टल फॉर अप्लाइंग HSLC कम्पार्टमेंटल एग्जाम 2023 विल बी ओपन फ्रॉम 1 जून 2023 इम्पोर्टेंट डेट्स इन ब्रीफ प्रोसीड्यूर्स आर गिवेन बिलो माने इतना दिया माने सको स्कूल कटार माने इनफर्म कर विचार से जो कम्पार्टमेंटल एग्जाम एप्लाइंग प्रोसेस तो आम एक तारिखर पर ओपेन कर बोले तो अपना जून एक तारिखर पर स्टार्ट हम तो इतना केनेकवा कई तारिखे कि सब डिटेल्स दिया सीरियल बक्स दिया सीरियल बै नम्बर वन दी से स्टार्टिंग स्टार्ट डेट अफ एप्लाइंग एप्लिकेशन 1 जून 2023 और फर्म फिलप तो कमप्लीट हम शेष हम लास्ट डेट तो अपना 10 जून मैं 10 दिन भर अपना जो जो कम मार्क पासे एक नम्बर दु नम्बर कारण क्या सब्जेक्ट बेहतरण चूड़ान फलाफल पास करा ना एट सब्जेक्टर कारण तो सब्जेक्टर कारण अपनी नतुनकोबारा सब्जेक्टर भरते मैं एग्जाम दु पार तो किधरे दु कि ना और तार बारे पार सब्जेक्ट क्या फीस पे लगे लास्ट डेट अफ मेकिंग पेमेंट एज द एपिक्स बैंक मानने एपिक्स बैंक जरिए एपिक्स बैंक मैंने तर ट्रांजेक्शन हम तक एपिक्स बैंक ट्रांजेक्शन हम और तो यू लास्ट डेट आज अपना 15 तारिख मैं 10 तारिख में एप्लाई कर पीछे जो क्या क्षेत्र और पैसा असुविधार क्षेत्र जो पेमेंट करसमर्थ तो 15 तारिखर भरत पे और एग्जामिनेशन शेड्यूल तो एलोक नोटिस ना के एग्जाम हम कि ना हर लगे अपना जाना दीम तक नेक्स्ट आज अपना एप्लाइंग प्रसिडियर इतना कैसे केने कि एप्लाई करके तो इतना दिखा एक नम्बर स्टेपते आज प्लीज भिजिट सेवा ऑफिशियल वेबसाइट तक कोड की क्लिक कर लगे तरह अपना यूजर आईडी पासपोर्ट क्रिएट कर लगे और सेंटर कम्पार्टमेंटल एग्जाम कौन सब्जेक्ट दिबा गोटेबूर क्लिक सब्जेक्ट हेरी कर पाशन लास्ट पेमेंट कर लगे चालान लास्ट पेमेंट रिसीव जो एप्लिकेशन रिसीव डाउनलोड हम एक लैपे अपनी टीचारबूर कथ पाति कत के कि नम्बर दी के एग्जाम हम निजर निजर स्कूल टीचार कन्साल्ट हो पे एग्जाम दी जा नेक्स्ट और एक कम्पार्टमेंटल एग्जाम नोटिफिकेशन दिया आज एज पार एप्रुवल अफ मीटिंग अफ द बोर्ड इट हेज बीन डिसाइडेड टू होल्ड कम्पार्टमेंटल एग्जाम अफ HSLC दोज कैंडिडेट वुड नट सक्सेसफुल HSLC एग्जामिनेशन बट फील्ड एग्जामिनेशन मैक्सिमम 3 साम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिनिमम 170 मार्क ग्रेड मैं अपने दिया जो मैं जीवर स्टूडेंटे किसान सब्जेक्ट दो तीन सब्जेक्ट बेहतर मेन फाइनल एग्जाम क्वालिफाई हो पारा ना
মানে মেক্সিমাম তিনটা সাবজেক্টর লৈকে মানে রি এক্সাম দিব পাৰিব। আৰু এটোৱে সিঙ্গেল এটা চান্স দিয়া আছে, এইটো সিঙ্গেল চান্সতে মানে মিনিমাম 30% পাৰ সাবজেক্টক সিহঁতক কালেক্ট কৰিব লাগিব মাৰ্কছ। তো এইটোৱে দিয়া আছে আপোনাৰ টোটেল নটিছবোৰ, আৰু আপোনাৰ এটা সাবজেক্টত কিমান টকাকৈ লাগিব তাৰ মিনিমাম ইয়াত দিয়া আছে। আপোনাৰ 3 নম্বৰ চাই ল'ব, ইয়াত এক্সামিনেশ্যন ফিজ 350 ৰুপিজ উইল বি পেইড ইচ ছাবজেক্ট, মানে এটা ছাবজেক্টত আপোনালোকৰ 350 টকাকৈ হ'ব। যদি দুটা ছাবজেক্ট হয় 700 টকা, তিনিটা ছাবজেক্ট হয় যদি 1050 টকা। আৰু যেনে ধৰা ইয়াত 150 ৰুপিজ এটা আপোনাৰ চেণ্টাৰ ফিজ পে' হ'ব। ধৰি লওক আপোনাৰ যদি এটা ছাবজেক্ট হয় আপোনাৰ 500-600 ভিতৰত আপোনালোকৰ হৈ যাব এটা ছাবজেক্ট। দুটা ছাবজেক্ট তেনেহ'লে আপোনাৰ 700-800 পৰিব আৰু। তো গাইজ, এইটোৱে আছিলে আপোনালোকৰ আজিৰ নটিছখন, আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম দিব বিচাৰে। তো 1 তাৰিখত অনলাইন ফৰ্মৰ যোগেদি অনলাইন এপ্লাই কৰিব আপুনি, আৰু টিচাৰবোৰৰ লগত নিজৰ নিজৰ স্কুলৰ টিচাৰবোৰৰ লগত কনচাল্ট হৈ পেলাই এক্সামখন দিব যাব আৰু। তো কেতিয়া এক্সামখন হ'ব এইটো মই আপোনাক অতি সোনকালে জনাই দিম আপোনালোকক। তো যিবোৰ বন্ধুসকল নতুন আহিছে, প্লিজ ভিডিঅ'খন লাইক চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু নিজৰ নিজৰ বন্ধু বৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।